लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव व सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्थानीय लोगों में राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सदर और सहजनव के गाँव का निरीक्षण किया है और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, और डिमांड 500 की दे दो उसी को, पानी ताकि वो और पाँच जरूरत होगी तो डिमांड कर देंगे। डिमांड रखो, डिमांड तो भेजे हजार का सब भेज चुके हैं तो वो आएगा हजार हमारा, और उसके बाद पानी घट रहा है, जरूरत होगी तो घर तो नहीं डैमेज हुआ। सर अलग अलग गांव में काफी हुआ है, उसका सूचना अलग चाहिए। लेखपाल सारे एक्टिव है क्योंकि सदर में तो मुझे थोड़े लगे नहीं। नहीं सर, हमारे पास है भेज का डेली के डेली जो आता है, दूसरे तरीके से जांच करा के ले जाते हैं। नीचे बसा हुआ है, प्रधान कौन है? बात ही गाँव के अंदर कुछ गाँव में नहीं, वो सही है, तो गाँव में बहुत हमारा जैसे रोल है ना, डबल का और हम ये वो जैसे देखो में कुछ मिला है वो कई चीज़ें भी होते हैं, काम करते हैं, सब गलत कर रहे हैं, सिलर्जी बनती है, स्पीड हो जाती है जो कि स्लो चल रही थी, अब इन पर भी प्रेशर बनेगा ना हेल्थ की, हम सब सब मॉनिटरिंग चल रही है। कमी छिड़दार की वजह से सर कुछ वैसे मैंने सुना था ऑफिशियली कि इसका प्रेशर पीछे तक है रिवर का, अगर इसको ब्लॉक करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक्सीएम से गौरव बात कर रहे थे सर, इसको ब्लॉक करने में दिक्कत, ये रिस के पानी आ रहा है, बोला नहीं है तो बड़े भी लगेंगे, एक ही लगे दो तीन दो लगे दो लोग आने ताकि वो पहचानने में आ आज सीडीओ सर ने गोरखपुर के जो कल ज्वाइन किए हैं उन्होंने आज कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है, जिसमें सदर के गांव भैरावा और कई गांव जो राप्ती नदी के किनारे हैं उनका सर्वेक्षण किया और वहां पर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उन्होंने सहजनवा के दो गांव जो कौन सी अमीना नदी के किनारे हैं उनका भी सर्वेक्षण किया है और आवश्यक निर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।